कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान का है, नशा ये हिंदुस्तान का है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है बीसीएन न्यूज प्रेजेंट जश्न ए आजादी के स्पेशल प्रोग्राम में। सबसे पहले तो आप सभी को मेरी और पूरे बीसीएन की टीम की ओर से 75वें स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। हमें आजादी मिले आज पूरे 75 साल हो चुके हैं और इन 75 सालों में एक सनातन भारत ने रुख किया एक आधुनिक भारत की ओर। इन 75 सालों में हमारे देश ने कई क्षेत्रों में विकास किया, कई नई चीजों को अपनाया और कई नई चीजों की ओर रुख किया है। तो आइए आज के हमारे इस जश्न आजादी के स्पेशल प्रोग्राम में देखते हैं सनातन भारत से आधुनिक भारत बनने की कहानी हमारे 75 साल विकास के स्पेशल कार्यक्रम में। हमारे देश को आजादी दिलाने में ना जाने कितने ही क्रांतिकारियों ने अपना योगदान दिया है। आज आजादी को 7 दशक हो गए हैं, पर आप जब सोचते होंगे तो सामने बीते 2 साल ही आते होंगे। कोरोना काल ने हमारे देश को इस कदर बदल दिया है कि शायद ही हमने कभी सोचा होगा। इन 2 सालों में हमने लॉकडाउन देखा, चीन का कपट देखा, कई लोग हमारा साथ छोड़ गए तो कईयों ने कोरोना को भी हराया। सभी तरफ के नियम बदलते हुए देखे, सब कुछ डिजिटल होते देखा और ना जाने क्या क्या देखा। पर एक बात जिसे शायद आपने गौर भी किया होगा कि कोरोना ने हमारा संपूर्ण जीवन ही बदल दिया है। बेशक नकारात्मकता तो कोरोना ने लाई है, जिसका ये परिणाम हुआ है कि हमें देश का स्वतंत्रता दिवस भी सादगी से ही मनाना पड़ा है। पर क्या आप जानते हैं कि कोरोना काल ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है? जी हाँ, आज हम स्वच्छता के बारे में ज्यादा चिंतित रहते हैं। सिर्फ घर ही नहीं तो हमारा परिसर भी स्वच्छ रहे, इसके लिए हम पहले से ज्यादा कार्यरत हैं। चाहे जैसा भी कार्यक्रम हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसे हम सादगी से ही मनाते हैं। घर वालों की तरफ ध्यान देना, उनका ख्याल रखना, साथ ही अपना भी ख्याल रखना बढ़ गया है। सोशल डिस्टेंसिंग और सब कुछ डिजिटल होना, ये भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, जिसके कारण अब जिंदगी बदली बदली सी लगती है। कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं कि कोरोना की वजह से ही क्यों न हो, लेकिन हमारे देश ने आधुनिकता और प्रगतिशील के प्रति और एक कदम आगे बढ़ा है। 75 साल पहले जब देश को आजादी मिली थी, तब शायद ही हमें स्वतंत्रता देने वाले सेनानी ने सोचा होगा कि हम एक स्वतंत्रता दिवस ऐसा भी मनाएंगे जो पूर्णता डिजिटलाइजेशन पर आधारित होगा। निश्चित ही उन्होंने एक आधुनिक भारत का सपना तो देखा ही होगा, जो स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने पर कहीं ना कहीं साकार होता देखा जा रहा है। हालांकि अब भी हमारे सामने कई चुनौतियां हैं, जिनका सामना कर हमें भारत को एक नई पहचान दिलानी है। देश आजादी का जश्न मना रहा है, जगह जगह खुशी से लहराते हुए तिरंगे देख रहे हैं और देशभक्ति से भरे गीत आनंद को दुगना कर रहे हैं। पर फिर भी इस जश्न में सादगी भी देखी जा सकती है, क्योंकि कोरोना काल ने हमें सादगी में रहना सिखाई दिया है। बेशक हम वो दिन कैसे भूल सकते हैं जब देश ने वो भी दिन देखे जहां कोरोना से त्रस्त लोग ऑक्सीजन और बेड के लिए भटक रहे थे, लेकिन कोरोना ने हमारी बहुत सी आदतें भी बदल दी, या यूं कहे कि हमारी जिंदगी ही बदल दी। कोरोना ने हमें क्या सिखाया, इसकी लिस्ट लंबी है। अब हम घर वालों का ख्याल रखते हैं, उन्हें ज्यादा वक्त देते हैं, स्वच्छता पर भी बहुत ध्यान देते हैं। पहले सिर्फ खुद के घर को स्वच्छ रखते थे, पर अब अपने परिसर और सार्वजनिक स्थान पर भी स्वच्छता का ख्याल रखते हैं। सादगी में जीना हमने सीख लिया है, लोगों ने अपनी शादियां तक बेहद सादगी में निपटाई है। अब कार्यक्रम चाहे छोटा हो या बड़ा, सादगी में ही मनाते हैं। सब कुछ डिजिटल होने से तो हमारी जिंदगी ही बदल गई है, या यूं कहे तो इस डिजिटल और इंटरनेट के युग में हमने प्रगति की है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को डिजिटल इंडिया का मंत्र दिया। इसके तहत बहुत कुछ काम भी हुआ, पर डिजिटल इंडिया का असली महत्व और इसका सपना तो कोरोना काल में ही पूरा हुआ है। अब घर बैठे लैपटॉप या टैब पर ही ऑफिस का काम होता है, पढ़ाई भी ऑनलाइन ही होती है और परीक्षा भी। डिजिटल इंडिया में अब छोटे से छोटा व्यापारी भी डिजिटल पेमेंट की सुविधा रखता है और इसके साथ ही ऑनलाइन फूड इंडस्ट्री ने भी जोर पकड़ा है, जिसके तहत कई लोगों को और खासतौर पर महिलाओं को रोजगार मिला है और जीवन में परिवर्तन आया है। भारत में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन धारक तो है ही, पर इंटरनेट के इस युग में डिजिटल इंडिया का सपना कोरोना काल में ही साकार हुआ है। कोरोना के तालाबंदी में जब सब बंद पड़ा हुआ था, तब डिजिटल और ऑनलाइन पद्धति ने अपनी पकड़ जमाई। ऑफिस का काम घर बैठे लैपटॉप या टैब पर होने लगा।
इतना ही नहीं, पढ़ाई और परीक्षा भी ऑनलाइन ही होने लगे, जिसके कारण विद्यार्थियों का साल जाया नहीं पा। बाकी चीजें भी डिजिटल पढ़ने शुरू हो गई, जिसके कारण जो लोग स्मार्टफोन का उपयोग नहीं करते थे वो भी इसका उपयोग करने लगे, क्योंकि अपने बच्चों के लिए तो उन्हें स्मार्टफोन लेना अनिवार्य था। डिजिटाइजेशन जैसे जैसे बढ़ते गया, वैसे वैसे छोटे से छोटे व्यक्ति भी ऑनलाइन पेमेंट और होम डिलीवरी की सुविधा रखने लगे। डिजिटल इंडिया में ऑनलाइन फूड इंडस्ट्री ने तो खासा जोर पकड़ा, जिससे कोरोना पॉजिटिव लोगों को भी ऑनलाइन डिलीवरी मिलने लगी। ऑनलाइन फूड इंडस्ट्री से नया रोजगार भी उपलब्ध हुआ, जिससे खासकर महिलाओं को रोजगार मिला, जिससे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया है। कैशलेस इंडिया से लेकर वर्क फ्रॉम होम तक, ई कॉमर्स के बढ़ते प्रचलन से लेकर तो स्किल इंडिया के तहत बढ़ रहे रोजगार तक, हमारे देश में कई क्षेत्रों में आधुनिकता की बदौलत एक नया मुकाम हासिल किया है। हालांकि ये सिर्फ एक आगाज है एक नए भारत का, ये एक शुरुआत है एक आधुनिक भारत की, जहां कई मुकाम हमें अभी पाने के हैं और निश्चित ही हम जल्द ही एक डेवलप्ड नेशन के तौर पर पूरी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा कर चुके होंगे। फिर एक बार आप सभी को मेरी और पेशियन की संपूर्ण टीम की ओर से 75वें स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद।